नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बरेली में योगी सरकार ने 11 और 12 अगस्त को रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की सुविधा दी तो रक्षाबंधन में बहनों की खुशियां दुगनी हो गई। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक कायम नहीं हो सकी। जब महिलाएँ बस स्टैंड पर आईं तो देखा कि बसों की किल्लत है, बस मिल भी रही है तो उसमें बैठने की जगह भी नहीं है। कुछ महिलाओं ने मजबूरी में यात्रा करने का फैसला किया तो उन्हें लटक कर अपनी यात्रा करनी पड़ी। आरती नाम की महिला ने बताया कि रक्षाबंधन के मौके पर योगी सरकार ने मुफ्त में बस सेवा की सुविधा दी है, लेकिन बसों की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में या तो लटक कर यात्रा करें या फिर निजी वाहनों से यात्रा करें। भाई के पास से बार बार फोन आ रहा है कि कब तक घर पहुंचेगी। योगेश मिश्रा ने बताया कि रक्षाबंधन पर घर जाने के लिए छोड़ने आया हूं, लेकिन यहां तो बस ही नहीं है, जो है उसमें भी पैर रखने की जगह नहीं है। ससुराल से बार बार फोन आ रहे हैं कि कब तक पहुंचेगी। वही परिवहन विभाग किसी सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। ऐसे में मुफ्त बस यात्रा की योजना हवा हवाई दिखाई दे रही है। क्या नाम है? मेरा नाम आरती है। आरती जी, ये आदित्यनाथ द्वारा जो महिलाओं के लिए बस सफर की बात है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बसें भैया मिल तो नहीं, नाम है कि चल रही है बसें, मगर देखो सब परेशान है बिल्कुल से। काफी देर से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक घंटे बाद हमें बस मिली तो देखिए आप बस की हालत, ये देखिए क्या हालत है। तो इस सुविधा से हमें क्या फायदा मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए और बसें होनी चाहिए। आपका क्या कहना है? सर मेरा कहना क्या कुछ नहीं, यही कहना कि यात्रीगण ज्यादा हैं, बसें कम है, कृपया करके बसों का और प्रस्थान किया जाए। मेरा नाम योगेश मिश्रा है। कहाँ है आप आज समय? एक्चुअली छोड़ने आया था इनके लिए। आज ये रोडवेज के हालात देख के ये लग रहा है कि शायद रोडवेज इस चीज़ पे फेल हो चुका है सर, क्योंकि योगी आदित्यनाथ द्वारा जो दो दिन के लिए महिलाओं का सफर जो फ्री किया गया उसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये यहाँ बसों में इतनी भीड़ है, कैसे जाऊँ? ज़्यादा भीड़ है। हाँ, चढ़ने को तक नहीं मिल रहा है। तो आप इस पर क्या सुझाव देना चाहेंगे? बसों की व्यवस्था और बढ़ानी, बसों की व्यवस्था और बढ़ानी चाहिए। भाई साहब, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। योगेश मिश्रा जी, क्या कहना चाहेंगे सर? भाई, योगी जी के द्वारा किया गया कार्य तो अच्छा है, महिलाओं के लिए सुविधा है इसकी, लेकिन यहाँ पर आकर परिवहन विभाग पूरी तरह से निष्क्रिय है। आप देख रहे हैं, खुद ही देख रहे हैं बसों में किस कदर मारा मारी है। आदमी एक दूसरे के ऊपर चढ़ने को तैयार बैठा है। बसों की व्यवस्था इन्हें बढ़ानी चाहिए थी। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल मैनपुरी चौराहा बजाज एजेंसी के सामने शिकोहाबाद जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए.के. राजपूत। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक युवक की थप्पड़ मारने के विवाद में दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से क्षेत्र में सनसनी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक सुभाष नगर थाना क्षेत्र के अनुपम नगर के रहने वाले विशाल, उम्र 23 वर्ष, पुत्र मुल्लू की उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के पीछे की वजह रंजिश बताई जा रही है। मृतक विशाल की दादी का कहना है कि विशाल कश्यप शादियों में शहालक का काम करता था, 2 महीने से छुट्टी पर था। विशाल की बुआ राखी बांधकर चली गई। विशाल बोला, बुआ को बुला लाओ, खाना खा लेगी। लड़की को बुलाने चली गई, तभी भोलू कश्यप, छोटू कश्यप, लल्ला कश्यप, दीपक कश्यप ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी। SSP सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने बताया कि मृतक के पिता से पूछताछ में पता चला कि उनके रिश्ते के चाचा द्वारा ये हत्या की गई है। अभी तक घटना के संबंध में पीड़ित पक्ष से तहरीर नहीं मिली है। पूछताछ में ये पता चला है कि मृतक के पिता के ममेरे भाई को थप्पड़ मारने को लेकर विवाद हुआ था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद था। पुलिस जाँच कर रही है हत्या करने का क्या कारण है। हत्यारों को पकड़ने के लिए टीम लगा दी गई है। ये पता चला है मृतक के पिता से बातचीत करने पर कि उनके अपने ही परिवार के एक उनके रिश्ते में चाचा जो लगते हैं उनके द्वारा यह हत्या की गई है। अभी तहरीर प्राप्त नहीं हुई, तहरीर प्राप्त होते ही इस पर आपको औपचारिक जानकारी दी जा सकेगी। सर, कितने लोग थे, किस तरह से घटना अंजाम देकर घर में था, बाहर था, क्या अभी तक की जानकारी है? इनके बीच में आपस में 4-5 महीने पहले थप्पड़ मारने को लेकर एक विवाद हुआ था। जो मृतक है उसके पिता के भांजे को, उनके ममेरे भाई को आरोपी द्वारा थप्पड़ मारा गया था। इस बात पर मृतक द्वारा भी आरोपी को थप्पड़ मारा गया था। इस बात को लेकर के दोनों के बीच तनाव था। फिलहाल तहरीर मिलने के उपरांत ही कोई प्रामाणिक जानकारी इस बारे में प्राप्त हो पाई।
मेरा क्या करूँ मैं, बोलो ना। हाँ रैया मेरे नाती का मारिया हो कटाई सांस लगाना है मेरे नाती में। अरे रैया मैं क्या करो, मैं चली गई अपन ललीगढ़ है, मैं नाती बोलो बुआ को लिवा लो खानू खा ले, राखी बांध के चली गई, मैं बुआ को लिवा गई अपन लली को। हाँ जय घर में घुस गए मेरे नाती को मारी गए यार। हाँ क्या करो, नाम बताओ। नाम मानवान को डोलुआ, और एक छोटुआ, एक लल्ला और एक दीपक। कौन लोग हैं ये, आप रिश्तेदार हैं कौन है? ये कौन लोग हैं आप जानते हैं पहले से? कच्चा भाई। आप ही को रिश्ते परिवार के आपके? अब तो मेरा बेटा मेरा कोई ना है, दुश्मन नहीं हूँ तो अब कोई ना है। क्या वजह थी, गोली क्यों हुआ? लगते तो लगते है, सिर्फ ब्याह करो। मैंने नाती कुत्ता किसे आई है तो उसे कर लड़ाई डारी जाने घर में मेरे, तो उसे लड़ रहा हूँ। आपका लड़का क्या करता था? क्या करता आपका लड़का? कौन वो? आपका विशाल, विशाल क्या करता था? विशाल क्या काम करता था? विशाल विशाल सारे को काम करता हूँ इधर उधर। हाँ अब तो मैंने तो छुट्टी छुट्टी डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सहजनवा बासी रोड रंबापुर कुर्दिया सिद्धार्थ नगर। राजस्थान के बारा छिपाबडोद विद्या भारती द्वारा संचालित सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर छिपाबडोद में आज अखंड भारत दिवस धूमधाम से मनाया गया। उत्सव जयंती प्रमुख अंजलि प्रजापति ने जानकारी देते हुए बताया कि आज की प्रातःकालीन वंदना सभा में भारत माता की झांकी बनाकर 21 दीपक जलाकर आरती की गई। सभी भैया बहनों व आचार्य दीदियों ने आरती में भाग लिया। उन्होंने बताया कि अखंड भारत दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है, लेकिन 14 अगस्त को भैया बहनों का अवकाश होने के कारण ये पावन दिन 13 अगस्त को ही वंदना सभा में मनाया गया। प्रचार प्रमुख मेघराज नागर ने अखंड भारत दिवस की जानकारी देते हुए बताया कि भारत का जो आज हम स्वरूप देखते हैं वो खंडित रूप में देखने को मिलता है। हम सब भारतवासी अपने मन में ये संकल्प सजोए कि हम पुनः अखंड भारत में मिलें। 1857 से 1947 तक हिंदुस्तान के कई टुकड़े हुए और इस तरह बन गए 7 नए देश। 1947 में बना पाकिस्तान भारत वर्ष का पिछले 2500 सालों में एक तरह से 24वां विभाजन था। आज तक किसी भी ऐतिहासिक की पुस्तक में इस बात का उल्लेख नहीं मिलता है। पिछले 2500 सालों में हिंदुस्तान पर जो अटैक हुए उनमें किसी भी आक्रमणकारी ने अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, तिब्बत, भूटान, पाकिस्तान, मालदीव या बांग्लादेश पर आक्रमण किया हो। पाकिस्तान व बांग्लादेश निर्माण का इतिहास सभी जानते हैं, पर बाकी देशों के इतिहास की चर्चा नहीं होती। हकीकत में अखंड भारत की सीमाएं विश्व के बहुत बड़े भूभाग फल तक फैली हुई थी। अब हम सब देशवासियों का कर्तव्य बनता है कि हम भारत को पुनः अखंड भारत बनाने में कोई कसर ना छोड़ें। सुशीला देवी आदर्श विद्या मंदिर छिपाबडोद में अखंड भारत दिवस पर भारत माता की झांकी बनाकर 21 दीपों को के साथ आरती संपन्न की गई, जिसमें सभी आचार्य दीदी भैया बहन संपन्न हुए। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना धौरहरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत कफारा मजरा टपरी पूर्वा निवासी क्षेत्र पंचायत पप्पू राजपूत को मुहर्रम उत्सव का वीडियो बनाने के कारण जो सार्वजनिक है उसी को लेकर के चौकी इंचार्ज कफारा अभिषेक पांडे ने बेरहमी से मारा। पप्पू ने लगाई न्याय की गुहार, पुलिस अधीक्षक व डीएम खीरी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को लिखित में सूचना दी लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया। वहीं पीड़ित का कहना है कि हमारे गांव में मुहर्रम का उत्सव मनाया जा रहा था, उसी दौरान हम मुहर्रम उत्सव का वीडियो बना रहे थे, तभी एक दुकान में दरोगा ने ले जाकर मुझे मारना चालू कर दिया। हमने कई बार पूछने का प्रयास किया लेकिन दरोगा जी हमारी एक भी बात तो नहीं सुनी, केवल हमें मारते ही रहे और गंदी गंदी गालियां देते रहे। वही राहुल के द्वारा चीखने चिल्लाने पर गांव वाले पहुंचे, तब दरोगा जी बाहर निकल कर आए और पीड़ित का मोबाइल छीन लिया व धमकी दी, यदि तुम नेता नगरी के पास जाओगे तब हम तुम्हें चरस अफीम गांजे में रख कर जेल भेज देंगे। अब पीड़ित बेचारा क्या करे, कहां जाए। घटना के दौरान क्षेत्रीय लेखपाल व गाँव के लोग भारी संख्या में रहे मौजूद, जो इसके गवाह भी हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है जी? सर नाइट के लाए थे, दुकान में बंद करके मारे हैं। किसको लाए थे? पप्पू को सर। कहाँ के रहने वाले हैं पप्पू? टपरी पुरवा। अच्छा, कौन लाया था? दरोगा साहब। किस लिए लाए थे खींच कर? खींच के लाए थे, वीडियो साला बना रहा था, हमरा बना रहा, दरोगा का वीडियो बना रहा था। अच्छा, वो कह रहे थे, दरोगा साहब कह रहे थे कि साला हमारा वीडियो बना रहा था, बना रहा था। जबकि ले वीडियो ताजिया का बना रहा था, ताजिया बना था, तमाम ताजिया रहा था, साहब बैठे थे, लेखपाल साहब कुंडा सर क्या रहे। अच्छा ठीक जी, पप्पू राजपूत। कहाँ के रहने वाले हैं आप? टपरी पुरवा निवासी। अच्छा, क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ घटना हुई है, कई दिन पहले ताजिया रहते सर, और दरोगा साहब बैठे थे और दो चार सिपाही थे साथ में थे, क्षेत्र अधिकारी भी थे, तो हमने सर वीडियो बनाने लगे, उसी दौरान दरोगा साहब ने बोला इधर आओ, हमारा सर मोबाइल भी ले लिया और साथ में हमको चुपके से लाया दुकान में ला करके सर खूब मारा पीटा और बोलने लगा कि अगर जो कुछ करोगे तो सर सबको जेल में डाल देंगे चौसे खाने के चक्कर में। अच्छा, दरोगा ने आपको धमकी दी कि अगर कोई कार्रवाई करोगे तो हम आपको गांजे में डाल देंगे? आपने इसके लिए कहाँ कहाँ तहरीर दी है सर? हम तो लखीमपुर दिया हूँ सर, एसपी साहब को, डीएम साहब को भी दिया हूँ और मुख्यमंत्री को एक फिर से कर दिया है। अच्छा, मुख्यमंत्री कोई सुनवाई नहीं, एक भी फोन नहीं आया। विधायक से भी आपने कहा? कोई सुनवाई नहीं। कौन है आपके क्षेत्र के, कौन विधायक है? विनोद दौरारा है। लेकिन इन्होंने कोई मामला संज्ञान में नहीं लिया? कुछ भी नहीं किया है। ठीक है। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। बुलंदशहर में आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव के दौरान डीएम एसएसपी के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा। तिरंगा यात्रा में कारगिल बार के परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव भी हाथ में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते हुए आए नजर। तिरंगा यात्रा के साथ साथ बुलंदशहर के सभी स्कूली बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर बनाई मानव श्रृंखला। तिरंगा यात्रा में प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी लिया हिस्सा। तिरंगा यात्रा में एनसीसी और एनएसएस के कैडेट ने भी हाथों में तिरंगा लेकर जोश के साथ लगाए भारत माता के जयकारे। बुलंदशहर की सड़कों पर वंदे मातरम, हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता के जयकारे लगाते हुए आए नजर।
देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी, पहले आए पहले पाए। संपर्क करें 9918781000। आपके शहर फिरोजाबाद में खुल गया राम शांति वेडिंग प्लानर्स एंड इवेंट। हमारे यहाँ शादी विवाह एवं बर्थडे पार्टी के लिए फ्लावर डेकोरेशन, लाइट डेकोरेशन, कैटरिंग, डीजे साउंड, फर्नीचर, वीडियोग्राफी, ट्रेवल्स, ब्यूटी पार्लर और सिक्योरिटी बाउंसर, लड़के लड़कियाँ, वीआईपी वेटर, सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। राम शांति वेडिंग प्लानर का पता राम शांति पतंजलि केंद्र, बजरंग नगर, हनुमान मंदिर के पीछे, जलेसर रोड, फिरोजाबाद। डायरेक्टर मिस्टर राकेश कुमार कश्यप। माँ भगवान देवी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी और अत्याधिक सुविधाओं से युक्त पादा बेहतर स्वास्थ्य का पता माँ भगवान देवी हॉस्पिटल, मैनपुरी चौराहा, बजाज एजेंसी के सामने, शिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद। डायरेक्टर डॉक्टर ए के राजपूत। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, ब्रह्मापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।